जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस द्वितीय सत्र में मैं नीरज कर्ण सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जिस तरह से आज का ये राष्ट्रीय सम्मेलन हम लोग यहां पर आयोजित कर रहे हैं और मैं पूरे विभाग की ओर से विद्यार्थियों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जनसंपर्क, लोक संपर्क या पब्लिक रिलेशन की बात होती है तो एक ऐसी विधा है कि जब हर पल हर प्रतिपल व्यक्ति अपने अंत और बाह्य लोक से कम्युनिकेशन करता है, उससे बातचीत करता है और उसके निदान की ओर बढ़ता है। जिसके चार अगर मैं शील बोलूं तो मैं कहना चाहूंगा कि शील, विनय, आदर्श और श्रेष्ठता, ये किसी एक जनसंपर्क के गुणों की सबसे बड़ी बात होती है। और पूर्व सत्र में जो विषय हम सब ने लिए हैं उसमें मिस इन्फॉर्मेशन से लेकर इन्फॉर्मेशन फ्लो, पीआर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर, पब्लिक रिलेशन क्राइसिस मैनेजमेंट से लेकर और पीआर इन सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया एरा, प्याज पीआर और प्यार तीनों ही आंसू देते हैं, कुछ ऐसा भी विमर्श हमारे सामने आया। फेक विषय वस्तु को जांचने परखने की टूल पर भी बातचीत हुई और मीडिया प्रबंधन पर भी बातचीत हुई, साथ साथ क्या टूल हो सकते हैं और किस तरह से उसका निदान किया जा सकता है, इन विषयों पर बातचीत हुई है। और द्वितीय सत्र में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं श्रीमान नरेंद्र सिंह जी जो डीपीआरओ हैं कुरुक्षेत्र के, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जगबीर गोयल जी जो डीपीआरओ हैं चंडीगढ़ के, श्री आदित्य चौधरी जी जो डीपीआरओ हैं चंडीगढ़, श्रीमान मनोज कुमार जी डीपीआरओ करनाल, श्रीमान अखिलेश पाठक जी डीपीआरओ पीआरओ आईआईएएस शिमला, श्रीमती स्नेहा पीआर प्रोफेशनल हैं, और इन सब का सानिध्य हम सबको मिलने जा रहा है। और मैं सबसे पहले निवेदन करता हूं कि श्री नरेंद्र सिंह जी अपनी बात रखें और फिर उसके बाद में जगवीर जी, और साथ में प्रयास करेंगे कि सत्र के अंत में हम लोग कुछ प्रश्न लें और उनका निदान कर सकें। श्रीमान नरेंद्र सिंह जी नमस्कार जी, सभी को खासकर डॉक्टर अशोक शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम रखा और जो पीआर वर्क के ऊपर इस प्रकार के जो डिस्कशन रखी गई, इससे काफी सार्थक परिणाम भी आएंगे और एक दूसरे की जो जानकारी है वो शेयर करने का एक अवसर भी मिलेगा। जैसा कि आज विषय रखा गया है कि जो सूचनाएं हैं वो गलत तरीके से प्रस्तुत की जाती हैं, तो आज के समय में ये माना जाता है कि वही आदमी ज़्यादा शक्तिशाली है या समाज में उसी पीआर व्यक्ति की ही ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, जिसको सबसे ज़्यादा सूचनाएं होंगी, जिसके पास इंफॉर्मेशन सबसे अधिक होगी, कि सूचना जिस व्यक्ति के पास होगी, सही सूचना होगी, तो उस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा लोग संपर्क, अधिकारी हो, मंत्री हो, संतरी हो, सबसे ज़्यादा लोग उसी व्यक्ति से ही संपर्क रखते हैं। सूचना फिर सूचना सबसे पहले सही होनी चाहिए, तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए और उन जो तथ्य होते हैं उनकी पुष्टि भी की जानी चाहिए। आज जैसे आजकल सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल्स हैं, आज पीआर के लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि इतने यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके ऊपर नज़र रखना बड़ा मुश्किल होता है और ब्रेकिंग के जो ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में जितने भी ये चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, ये जो सूचना जो है उसकी अच्छी जानकारी नहीं दे पाते और गलत सूचना एकदम ब्रेकिंग के चक्कर में दे देते हैं अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए जो सूचनाएँ हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर ये प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे समय में जो पब्लिक रिलेशन ऑफिस सर उसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है और एक आज सभी जगह इस चीज़ को बड़ी चुनौती के साथ देखा जा रहा है। तो ऐसे समय में एक उदाहरण भी है, 8-10 साल पहले उस टाइम सोशल मीडिया इतना हैवी नहीं था, तो एक प्रोग्राम था, उसमें एक मुख्यमंत्री ने एक किसी समाज के बारे में एक शब्द कह दिया, लेकिन उसको इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि पीआर के लिए उस टाइम बड़ा मुश्किल हो गया। ये हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनके पॉलिटिकल एडवाइजर को बात करनी पड़ी कि इस तथ्यों को सही कराया जाए, तब तो उन तथ्यों को हमें उसका वर्शन देना पड़ा, सोशल मीडिया पे भी देना पड़ा और तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोगों को भी तथ्यों की जानकारी दी कि भी जो शब्द बोले गए थे वो इस तरह से नहीं थे, वो उनको गलत उसको प्रस्तुत किया गया है, इसलिए शब्दों का सही इस्तेमाल किया। एक बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय और बहुत बड़ा ही प्रोग्राम था, तो ऐसे समय में जो सूचनाएं हैं वो सही जानी चाहिए
और सोशल मीडिया को भी हम समय समय पर अनुरोध करते रहते हैं कि जो सूचना यहाँ पे एकदम ब्रेक करवाते हैं तो सबसे पहले उसको सही तथ्य जान लें कि वास्तविक तथ्य क्या है, तभी उसको ब्रेक कराने का फायदा है। क्योंकि हमारा सब सभी का दायित्व बनता है, सामाजिक दायित्व बनता है कि जो समाज के लोग हैं उनको हमें सही और जो स्पष्ट सूचना है वो देनी चाहिए जो तथ्य पर आधारित हो। तो कोरोना काल में भी हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि सबसे पहले हमारे यहाँ जो कोरोना का जो पहला मरीज आया था उस समय तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि जो कोरोना पेशेंट होते हैं कि उनकी जो आइडेंटिटी थी उस टाइम वो गोपनीय रखनी होती थी, ऐसे नियम भी थे। लेकिन जो ब्रेकिंग सोशल मीडिया पे वो ब्रेक हुई तो उसमें सारी आइडेंटिटी उनकी एकदम दिखा दी गई भी, कौन व्यक्ति है, कहाँ रहने वाला है। तो इससे समाज में पूरा र्यूमर फैल गया और जो इतना ज़्यादा पैनिक हो गया कि सेक्टर 7 कुरुक्षेत्र में कि जो आस पड़ोसी थे उन्होंने एक दूसरे के साथ उस घर से वास्ता ही तोड़ दिया और एक व्यक्ति के कारण उनके पूरे परिवार के सदस्यों को पूरी झेलनी पड़ी। तो ऐसे समय में तो हमें सोशल मीडिया या जितने भी प्लेटफॉर्म थे सूचना पहुंचाने के, उसके माध्यम से हमें डीसी साहब का और जो सीएम हुए हैं उनका वर्सन हमें भेजना पड़ा कि आइडेंटिटी को गोपनीय रखना बहुत ज़रूरी है। तो सही सूचना अगर जाती तो ऐसा पैनिक ना फैलता। तो इस तरह ऐसे बहुत से अवसर आते हैं कि जिसमें सूचनाओं का जो सही तथ्य है जाने चाहिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत आभार, आपने जो विषय रखा वो सूचना जिसके पास होगी, जिसके पास सूचना होगी उससे ज़्यादा संपर्क और विश्वसनीय सूचना मिल सकती है, ऐसी आपने चिंता रखी। आपने कहा कि सूचना बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करते हैं, ऐसे में जनसंपर्क के समक्ष भी बड़ी चुनौती के ऊपर आपने बात कही। सूचना का तथ्य आधारित और सत्य आधारित होना आवश्यक है, और कितनी सूचना देनी है और कैसे सूचना देनी है इस पर आपने अपनी बात रखी, मैं आभार प्रकट करता हूँ। और अगले जो हमारे स्पीकर हैं हमारे बीच में वो जंगवीर गोयत जी हैं जो DPRO हैं चंडीगढ़ के। मैं निवेदन करता हूं कि हम सबका इस विषय पर मार्गदर्शन करें और अपनी बात आज के इस पावन दिवस पर रखें। आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद माइक माइक म्यूट है सर। जंगवीर जी माइक म्यूट है सर आपका।